लव लॉजिक्स हेलो दोस्तों, लव लॉजिक्स चैनल में आपका स्वागत है। ये कहानी शुरू होने से पहले जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दीजिए, क्योंकि हम आएंगे हर बार एक नए लव स्टोरी के साथ। व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज, इतने सालों के बाद तुम मुझे ऐसे मिलोगी, मैंने कभी नहीं सोचा था। I'm so happy to see you, तुषार। आओ बैठो, एक साथ लंच करते हैं। Sure. वैसे सीमा, लगता है तुम अकेली हो, तुम्हारे हस्बैंड नहीं आए? ओह, वो तो काम के चक्कर में हमेशा बिजी रहते हैं, इसलिए मैं अकेली आ गई। और अकेली कहाँ, तुम तो हो ना मेरे साथ। ठीक है, तो फिर चलो आज लंच के बाद एक मूवी चलते हैं। इतने सालों के बाद मिले हैं, पुराने दिनों को फिर से जीते हैं, क्या कहते हो? चलो, आई एम रेडी। अच्छा सीमा, और किस किस दोस्त के साथ कांटेक्ट में हो तुम? बस रागिनी के साथ, काफी तरक्की कर ली वो। सब उसे काली काली बुलाते थे स्कूल में, अब देखो वो कहाँ है। अरे लड़की में दम था यार। अरे किरण, किरण मेरे लिए पिज्जा ऑर्डर कर देना प्लीज। अरे सीमा, कॉल तो पिक कर लो। नहीं, इट्स ओके, मैं मैसेज कर देती हूँ, नो प्रॉब्लम। अपनी गर्लफ्रेंड के साथ वीकेंड एंजॉय करने गया है, फिर मुझे क्यों बार बार कॉल करके परेशान कर रहा? अगर मैंने इसका कॉल पिक कर लिया तो मेरा कोई वैल्यू नहीं रहेगा। जब तक अमन मुझसे माफी ना मांगे, मैं उसके साथ बिल्कुल बात नहीं करने वाली। अजीब बात है, ये सीमा कॉल क्यों पिक नहीं कर रही? मैं कुसुम आंटी को कॉल करके बता देता हूँ। फिर अमन उनके पड़ोसी कुसुम आंटी को कॉल लगाया। हेलो। हाँ अमन बेटा, बोलो। आंटी, एक्चुअली मैं बाहर आया हूँ, गाड़ी खराब हो गई है मेरी, आज रात को आते आते शायद लेट हो जाऊंगा। अच्छा। हाँ आंटी, सीमा को बहुत बार कॉल कर चुका, वो शायद बिजी है, उसे आप बता देना प्लीज। सीमा तो घर पे नहीं है, सुबह ही निकल गई, बोल रही थी शॉपिंग पे जा रही है, फिर बाहर लंच करके मूवी देखने जाएगी। तुम्हारे घर का चाबी मुझे देकर गई, अगर तुम पहले आ जाओगे तो तुम्हें देने को बोली है। क्या? ओके आंटी, कोई बात नहीं। सीमा अकेले मूवी देखने गई है, आज तक तो ऐसा कभी नहीं हुआ। मेरे कॉल्स भी पिक नहीं कर रही, इसका मतलब वो जरूर और किसी के साथ मूवी देख रही है। सीमा, बहुत मजा आ गया आज सच में। मुझे भी। सीमा एक बात बताओ, थोड़ा पर्सनल है पर दोस्त हूँ, इतना तो पूछ ही सकता हूँ। अरे पूछो ना, इतना फॉर्मेलिटी क्यों कर रहे हो? 4 साल हो गए तुम्हारे शादी को, तुमने बेबी प्लान नहीं किया अभी तक? नहीं किए यार, अमन और मैं डिसाइड किए थे कि शादी के 5 सालों तक हमें बच्चा नहीं चाहिए, 5 साल के बाद जो होना होगा हो जाएगा, अभी नहीं। अब तो हम दोनों एक दूसरे को बहुत टाइम देते हैं, अपनी कपल लाइफ को अच्छे से एंजॉय करते हैं। लगता है अमन तुमसे बहुत प्यार करता है ना? हाँ बहुत। अच्छा चलो अब कॉफी पीने चलते हैं। नहीं तुषार, शाम हो गई है, अब तो मुझे चलना चाहिए। ओ नो सीमा, मैं तुम्हें ऐसे जाने नहीं दे सकता। अगर तुम्हें तुम्हारे पति की चिंता है तो एक काम करो, उनको भी यहाँ पे बुला दो, तीनों मिलके डिनर करेंगे आज। अरे मैंने बोला था ना तुम्हें कि अमन आज घर पे नहीं है, कंपनी के काम से बाहर गए हैं। ओ यस, फिर तुम्हें किस बात की चिंता है, घर पे अकेली क्या करोगी जाकर? अब रात के 10 बज चुके हैं, सीमा अभी तक घर नहीं आई। नहीं, इतनी बार कॉल कर चुका हूँ, वो जानबूझकर पिक नहीं कर रही। मैं फिर से कॉल करूंगा तो और ज्यादा भाव खाएगी, देखता हूँ कब घर पहुंचती है वो।
अमन सोफे पे बैठे बैठे सीमा का इंतजार कर रहा था और गेट पे एक गाड़ी की आवाज सुनते ही खिड़की के पास जाकर बाहर देखने लगा। बाय सीमा, आई होप हम जल्द ही मिलेंगे। अरे हाँ बाबा, हम जल्द ही मिलेंगे। मैं तुम्हें कॉल करके बताती हूँ, ओके? बाय, टेक केयर। बाय। ये कौन है? मैंने तो इसे पहले कभी नहीं देखा। सीमा इसके गाड़ी में इतनी रात गए घर आ रही है? सीमा, मैं तुम्हें दोपहर से कितनी बार कॉल कर चुका हूँ, कहाँ थी तुम? क्यों पिक नहीं की? मैं बिजी थी, अपना वीकेंड एंजॉय कर रही थी। किसके साथ बाहर गई थी? अकेली गई थी। क्यों, तुम्हें क्यों इतनी चिंता हो रही है? ओ, वैसे तुम घर वापस कैसे आ गए? आज तुम्हारे गर्लफ्रेंड के पास रात को रुकने का प्लान नहीं बनाया था? सीमा। हाँ हाँ, सीमा तो लड़ाई करती रहती है और तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुम्हें सुकून देती है, तो फिर क्यों आ गए? जाओ ना वहीं पर। वो बात छोड़ो, पहले ये बताओ कि अभी अभी किसके साथ कार में आई? मेरा बॉयफ्रेंड। बॉयफ्रेंड? ओ अच्छा, तुम्हारा और कहीं चक्कर चल रहा है, इसीलिए मेरे साथ हमेशा झगड़ा करती रहती हो और आखिर में दोष मेरे ऊपर डाल देती हो कि मैं गर्लफ्रेंड बना के घूम रहा हूँ। तुम्हें जो बोलना है बोलो, पर सच ये है कि मैंने ये सब तुमसे ही सीखा है। सीमा, मुझे अब समझ आ रहा है कि इन 4 सालों में हमें बच्चा क्यों नहीं हुआ। तुम जरूर और किसी के साथ रिलेशन में हो, इसीलिए जानबूझकर। शट अप अमन, किस बात को किससे कनेक्ट कर रहे हो? हाँ, अगर पति पत्नी के बीच रिलेशन ही अच्छा नहीं रहेगा तो बच्चा कहाँ से होगा? तुम एकदम चुप रहो, मुझे आज सब समझ आ गया। ये क्या हो गया? अमन तो मेरे दोस्त को बॉयफ्रेंड समझने लगा है और मैं उसके साथ रिलेशन में हूँ ये भी सोच रहा है। जो भी हो, अब तो वो पक्का मुझ पे ध्यान देगा, पहले जैसा प्यार भी करेगा। हाँ जेसिका, बोलो। क्या, प्रोजेक्ट तो कल ही डिलीवर हो जाना चाहिए था, फिर लेट कैसे हो गया? अच्छा ठीक है, मैं अभी ऑनलाइन आता हूँ, तुम मुझे टीम्स पे कनेक्ट करो। मेरे पति घर पहुँचे कि नहीं, उस चुड़ैल का काम शुरू हो गया। कुछ ना कुछ बहाना देकर फंसा के रखती है अमन को। अब मैं भी तुषार के साथ बात करूंगी। हाँ तुषार, क्या कर रहे हो? मैं अभी अभी घर पहुँचा, तुम बताओ। क्या बताऊँ, आज पूरा दिन इतना अच्छा रहा कि अभी घर पे बस तुम्हारी ही याद आ रही है। थैंक गॉड तुम्हारे पति घर पे नहीं है, नहीं तो तुम्हारे मुंह से ये सब सुनने के बाद मेरा मर्डर कर देते। सीमा उसके साथ फोन पे ऐसे ओपन बात कर रही है, इसका मतलब मेरा शक सही था, लगता है दोनों में बात बहुत आगे बढ़ चुकी है। तुम भी ना बहुत मजाक करते हो। ठीक है, अगर सीमा को यही सब करना है तो आज के बाद मैं उसके साथ उस कमरे में हरगिज नहीं सोने वाला। अलग होना ही है तो इतना झगड़ा करने की क्या जरूरत है, सीधा सीधा बोल क्यों नहीं देती? रात के 1 बज चुके थे, सीमा अमन का इंतजार करती रही, पर अमन उनके बेडरूम में ना सोकर दूसरे कमरे में अकेले सो गया। ये लो चाय। मम्मी, मैंने सब ट्राई कर लिया पर ये अमन बिल्कुल नहीं सुधरने वाला। प्यार करना तो छोड़ो, वो मुझसे बात तक नहीं करता। इसको लाइन पे लाने के लिए मैंने अपने दोस्त को बॉयफ्रेंड भी बना दिया, पर कोई फायदा नहीं। अब तो वो मेरे कैरेक्टर पे डाउट करके दूसरे कमरे में अलग सोने लगा है। सीमा मेरी बच्ची, तुम्हें मैं इतनी टेंशन में नहीं देख सकती। मैं क्या करूं माँ, इस घर में मेरा दम घुटता है। तुम उसे छोड़ के हमारे पास आ जाओ, उसे रस्ते पे लाने का यही सबसे बढ़िया तरीका है। 1 हफ्ते में ही तुम्हें लेने यहाँ पे आकर पहुँच जाएगा, देखना तुम। हाँ माँ, मैं आज ही आ जाती हूँ, मुझसे यहाँ पे रहा नहीं जाता।
इसके आगे क्या होने वाला है ये जानने के लिए हमारा अगला एपिसोड देखना ना भूलें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। अरे 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 अरे, इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। जल्द ही मिलेंगे अगले एपिसोड के साथ। नमस्ते।